ऐसा दिन है जो कि 75th पुंछ लिंकअप डे को कमेमोरेट करने के लिए मनाया गया है, जिसमें हमारे बहादुर सैनिक ने कबीलियों के अटैक से बचाया और आज जिस आवाम के साथ हम बैठे हैं इसको मिल बांट के खुशी का एक एहसास कर रहे हैं, वो हमारी सारी की सारी पूर्वजों की कमाई है। तो हम आज उनके लिए सर सजदा भी करते हैं और इसी के साथ में एक खुशी के तौर पर इसको मनाते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय द मंडी मेला। Karam pam pam karam pam pam karam pam 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 मेरा नाम इंशा कयूम है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर, कितना अच्छा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये प्रोग्राम हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस प्रोग्राम में, हर साल तो ये प्रोग्राम पुंछ में होता था लेकिन इस साल ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें दी गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए। क्या कहना चाहेंगे अगर हम बात करें मंडी की बात करें जो बैकवर्ड एरिया है, पहली बार ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है, किस तरह का आपको लगा यहाँ पर? देखिए ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता लेकिन इस साल इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम करके हम लोगों को जो है, मतलब हमारे दिल से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया और हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गई। वरना हम, मतलब जो शहरों के लोग हैं वो तो अपना टैलेंट किसी ना किसी तरह दिखा ही देते हैं लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग अपना टैलेंट उतना दिखा नहीं सकते क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, हमें मौका नहीं दिया जाता है, हमें अगर मौका दिया जाए तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हर साल पुंछ से प्रोग्राम्स होते हैं, लिंकअप डे पुंछ से मनाया जाता है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे हर साल यहाँ पर मनाया जाना चाहिए या नहीं? देखिए हम तो यही बोलेंगे कि पुंछ में भी मनाया जाए, वो भी वहाँ पे भी होना चाहिए लेकिन यहाँ पे भी होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए एक बार आगे आने का। स्टूडेंट हूँ। आज इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक मेला ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद गेम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करी गई, यहाँ पर खेला इन्होंने, बहुत कुछ इन्जॉयमेंट बहुत हुई, स्टॉल्स भी लगे हैं। तो हम तहे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे मौका दिया, इन चीज़ों से जो है आवाम को काफ़ी नॉलेज होती है और हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है।
ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इससे पहले पुंछ में मनाया जाता था, मंडी में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब मंडी में मनाया गया तो इससे जो है स्टूडेंट्स काफ़ी अवेयर हो गए कैसे क्या होता है, वो सब हमें दिखाया गया, यहाँ पर गेम्स वगैरह भी खेली गई और इंजॉयमेंट तो हमने बहुत किया। आज मुगल डाब जालिया में एक मेले का ऑर्गेनाइज जो है वो इंडियन आर्मी की जानिब से किया गया है, तो मैं अवाम मंडी की जानिब से बिलखसूस अवाम जालिया की जानिब से 25 RR का और इंडियन आर्मी का तहदिल से शुक्रिया अदा करूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टॉल भी लगे हुए हैं, वो भी अपनी जानकारी फराहम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पर जो ये ट्रेन का सिस्टम झूले का सिस्टम यहाँ पर रखा है तो काफ़ी खुशी हुई है कि ये अक्सर बड़े बड़े शहरों में इस तरह के मेले जो है वो ऑर्गेनाइज होते थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने जो एक अच्छा कदम लिया कि देहातों में ये मेला करवा कर जो है उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की है, तो इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा। चलिए आपने सुना कि आवाम का क्या कुछ कहना रहा, बच्चों का क्या कुछ कहना रहा। आई रोज हर साल ये देखने को मिल रहा था कि पुंछ में लिंक अप डे मनाया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार तहसील मंडी में लिंक अप डे मनाया गया जिसका नाम मंडी मेला भी रखा गया था, जहां पर बच्चों ने शिरकत की, जहां पर आवाम ने यहां पर शिरकत की और बच्चों ने यहां पर ख़ास तौर पर बच्चों ने यहां पर आकर इस मेले का लुत्फ उठाया। वहीं पर आवाम ने और बच्चों ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया भी अदा किया, साथ साथ इंडियन आर्मी से ये गुजारिश भी किया कि हर साल यहाँ पर जो है ऐसा मेला लगाया जाए, हर साल यहाँ पर जो है ऐसा प्रोग्राम्स करवाया जाए, हर साल जो है लिंक अप डे जो है कि मंडी में मनाया जाए ताकि बच्चों को अपना टैलेंट शो करवाने का ये एक सुनहरा मौका होता है, इस सुनहरे मौका का बच्चे जो है लुत्फ़ उठाएँ और यहाँ पर लुत्फ़ अंदोज़ हों।